अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब लोग ठीक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये फ्रेंड्स मुझे ये दिवाली का गिफ्ट मिला है, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैरियस फार्मा फॉर दिस टोकन ऑफ लव। ये आप लोग देख सकते हो बहुत प्यारा सा है, कैसेरोल है। इस गिफ्ट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है जो रिस्पेक्ट लोगों से मिलती है, जो पेशेंट्स रिस्पेक्ट देते हैं। ने डॉक्टर्स को जो जरिया बनाया है फ्रेंड्स, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। क्लिनिक पर फ्रेंड्स मेरी यही कोशिश रहती कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, और अल्लाह से मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस मेरे हाथ में शिफा रखिएगा। जैसे देखो, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअल में मुझे चिकन गोला कबाब प्रिपेयर करना था, तो उसी की प्रिपरेशन करने में किचन में आ गई हूँ। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मैं एज यूजुअल रिमूव कर रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से अच्छे से शेयर कर पाऊँ। और इसी के बीच में जफू का वीडियो कॉल आया था, तो अभी आप लोग थोड़ी देर में सुनोगे। जफू से मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। गार्डन हाँ मिम्मी, आता पेटली पेटली मुंबई येतास बॉम्बे येतास गार्डन जब गार्डन येतास बॉम्बे बॉम्बे बुर येतास कबाब बनवते, कबाब का है ये फ्रेंड्स, मैं ये चिकन गोला का मैं हाफ के जी बोनलेस चिकन का आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग ये रेसिपी बता रही हूँ। ये देखो, तीन स्मॉल साइज के मैंने कैप्सिकम ली हूँ, उसको मैं चॉपर में चॉप करूंगी। फाइनली चॉप करना है, करने के बाद जो एक्सेस वाटर रहेगा उसको हैंड से प्रेस करके ड्रेन आउट कर देना है और उसको साइड में रख देना है। उसके बाद चलिए अभी आगे के स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हाफ के जी बोनलेस चिकन ऐड करना है। चिकन में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, पानी अच्छे से ड्रेन आउट होना चाहिए। लगे तो टिश्यू पेपर से उसको हल्का हल्का पोंछ देना, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हो चिकन जो मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल ड्राई है वो। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करो, बहुत डिलीशियस कबाब बनते, एकदम इंस्टेंट बन जाते। देन 1 टीस्पून चाट मसाला मैंने ये ऐड कियो। देन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पूनफुल कश्मीरी रेड चिली पाउडर ताकि कबाब में अच्छा सा कलर आए, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कियो 1 टेबलस्पून फुल और 1 टीस्पून। ये टोटल इसकी क्वांटिटी है, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें भी पानी की क्वांटिटी एकदम ना के बराबर है, तो थिक पेस्ट ऐड करना है, वाटर वाला नहीं ऐड करना है। और 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कियो। स्पाइसीनेस आप लोग आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे कबाबों को मॉइस्ट रखने के लिए 1 टेबलस्पून फुल ये देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसको स्किप मत करना फ्रेंड्स, इससे कबाब जो है मॉइस्ट बनेंगे, रूखे नहीं बनेंगे, तो इसको जरूर ऐड करना। और फ्लेवर भी आता है कबाबों में।
वन टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड क्यों? सॉल्ट इससे ज्यादा नहीं ऐड करना फ्रेंड्स, क्यों चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है वरना सॉल्टी हो जाएगा। फिर मैंने मीडियम टू लार्ज साइज का एक ओनियन ली थी, उसको ग्रेट की थी ग्रेटर में और फिर वो ऐड की हूँ। ग्राइंडिंग के लिए अभी ये 2 टेबलस्पून फुल ग्राम फ्लावर ऐड करी हूँ। बेसन, इन सारी चीजों को अच्छे से चॉपर में ग्राइंड कर लेना है। एक फाइन सा पेस्ट प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, और हल्का सा ऊपर से ऑयल ऐड करके इसको 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सेट होने के लिए रख देना है। देन जो कबाब जो है हल्के स्पाइसी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 3 जो ग्रीन चिलीज को फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दी थी। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये कबाब का शेप जो एक गोले के जैसा रहता है, इसलिए उसको गोला कबाब बोला जाता है। अभी देखो 15 मिनट्स के बाद मैं कैसे कबाब प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैंने नाइफ शार्पनर ली, आप लोग चाहे तो स्ट्रॉ भी ले सकते, जो थिक वाला स्ट्रॉ आता है उसमें उसको फील करके कबाब प्रिपेयर कर सकते। इस ये एक्चुअल में जो कबाब छोटे छोटे साइज में बनते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो मैं किस टाइप में बना रही हूँ। बहुत इजीली बन जाता है फ्रेंड्स, और बहुत क्यूट भी लगते दिखने में भी। आप लोग देखो कितने स्मॉल स्मॉल, कितने प्यारे लग रहे, और टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस बनते। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करो, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज सब्सक्राइब।